हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो गाइस सब सभी दोस्तों। मार्केट में मोबाइल को चार्ज करने के लिए तरह तरह की डाटा केबल आजकल आने लगी हैं। आप सभी को पता है कि कभी ना कभी हमारे मोबाइल की डाटा केबल तो ख़राब हो ही जाती है। तो गाइस मार्केट में इसमें अभी बहुत सारी डाटा केबल चुन के लेके आ चुका हूँ यहाँ पर, और ये इसमें बहुत तरह अलग अलग तरह की डाटा केबल्स हैं। तो आज इन्हीं डाटा केबल के बारे में गाइस बात करने जा रहे हैं, और वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज जो एंड वाली डाटा केबल है गाइस वो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी कमाल की है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। सो गाइस पहली डाटा केबल है हमारे पास अल्ट्रा प्रो लिंक की, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मोस्टली डाटा केबल अल्ट्रा प्रो लिंक की बाय करी है, बिकॉज अल्ट्रा प्रो लिंक की जो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं ना, मतलब काफ़ी कमाल के होते हैं। तो पहली हमारे पास अल्ट्रा प्रो लिंक की है गाइस वोलो सी केबल, और ये टाइप सी है। और इसकी कमाल की बात यह है कि गाइस ये जो है काफ़ी बजट फ्रेंडली है, अंडर 200 आती है, और 6 मंथ की वारंटी मिलती है आपको इसके साथ। बाकी इसकी जो वायर है गाइस काफ़ी नॉर्मल है, इतनी कुछ खास बात इसमें है नहीं। 1 मीटर की गाइस ये डाटा केबल आपको देखने को मिल जाती है। मैंने सीटा बाई करी है इसमें, बाकी लाइटनिंग और आपको माइक्रो यूएसबी भी देखने को मिल जाएगी। गाइस दूसरी है अल्ट्रा प्रो लिंक की जैप प्लस सी डाटा केबल, और ये मेरी फेवरेट है, बिकॉज गाइस जो इसकी केबल है ना वो है यहाँ पे लाइलोन ब्रेडेड, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ होती है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 1.2 मीटर की आती है, और इसका जो डाटा ट्रांसफर स्पीड है वो 480 मेगा बिट पर सेकंड है। और मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, बिकॉज इसकी क्वालिटी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये आपको अंडर 500 देखने को मिलेगी, बट क्वालिटी प्रोडक्ट है, और 6 मंथ की वारंटी आपको इसके साथ भी देखने को मिल जाएगी। अगली डाटा केबल है गाइस अल्ट्रा प्रो लिंक की वोलो PD20C, और ये जो है C2C टाइप डाटा केबल है, मतलब दोनों तरफ आपको सी पोर्ट देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो सी टाइप होता है वो रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो आप इससे एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल भी चार्ज कर पाओगे, या फिर आपका अडेप्टर सी टाइप को सपोर्ट करता है। तो गाइस ये काफ़ी कमाल की है, और ये भी जो है गाइस 1.2 मीटर की है और लाइलोन ब्रेडेड है, तो ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ है। लाइलोन ब्रेडेड का गाइस ये मज़ा होता है ना कि आप इस वायर को कितना भी खींच लो जल्दी बेकार नहीं होगी, खींचने पे खराब नहीं होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, और वायर जल्दी बेकार नहीं होती। अगली है गाइस मेरे पास अल्ट्रा प्रो लिंक की फ्लेक्स केबल, और ये जो है गाइस मेरे को लाइटनिंग केबल भी है मेरे पास, और यूएसबी टाइप सी भी है, और ये काफ़ी कमाल की है, बिकॉज इसकी वायर क्वालिटी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मेन बात ये है कि इसको आप एज ए स्टैंड भी यूज कर सकते हो। आप इसको देखिए गाइस, इसका जो आगे का जो फ्रंट हिस्सा है कितना लंबा सा है ना, तो ये आप मोबाइल में आप लगाओगे तो यहाँ से होता है ना कि बहुत सारी केबल ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ पे वो ब्रेक भी नहीं होगा। और इसके आगे वाले हिस्से को आप कितना भी मोड़ लो अंदर की तार को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इवन इससे आप मोबाइल का स्टैंड भी बना सकते हो और इजीली चार्ज भी कर पाओगे। तो गाइस ये अल्ट्रा प्रो लिंक की जो फ्लेक्स केबल है मेरे को काफ़ी पसंद है पर्सनली, और इसकी जो केबल की लेंथ है वो 1.2 मीटर है, और इसमें जो है बैंड टेस्टेड है कि ये बैंड भी नहीं होती है, और ट्रेंगल फ्री यानी उलझेगी भी नहीं, तो ये काफ़ी कमाल की है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और गाइस मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आपके लिए कमाल की डाटा केबल आने वाली है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये आती है गाइस हेरिटेज कंपनी की तरफ से, और ये है एक मैग्नेटिक डाटा केबल। तो एक काफ़ी कमाल की, बिकॉज एक ही डाटा केबल के अंदर आपको तीनों डाटा केबल देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी माइक्रो यूएसबी, लाइटनिंग जो कि आईफोन के लिए होती है, और टाइप सी, तीनों एक ही केबल में देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, ऊपर से हाइटेज काफ़ी अच्छा ब्रांड है, 6 महीने की वारंटी इसको आपके साथ देखने को मिल जाएगी, और ये भी गाइस लाइलोन कोटिंग के साथ आता है, तो ये भी गाइस काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ट्रायंगल फ्री है, उलझेगी नहीं, और इससे आप कोई आपका मोबाइल कोई भी कंपनी का हो आप इजीली चार्ज कर पाओगे, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो फिर Xiaomi के हो, या फिर जो पुराने वाले फ़ोन होते हैं जो माइक्रो यूएसबी चार्ज होते थे गाइस वो भी, और इनको आप इजीली कैरी कर सकते हो केबल के अंदर ही। तो ये काफ़ी इसका अच्छा बेनिफिट है, और इसकी क्वालिटी गाइस मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सो गाइस आपको इन सारी डाटा केबल्स में कौन सी डाटा केबल सबसे ज़्यादा पसंद आई मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप कोई सी भी डाटा केबल मेरे से बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और सारी डाटा केबल गाइस अंडर 500 है, तो जो आपको पसंद आ रही हो गाइस आप वो जाके बाय कर लीजिए फटाफट से। और आपको ये डाटा केबल्स और ये वीडियोस कैसी लगी कमेंट करके गाइस जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हो, जिससे कि गाइस मैं आपके लिए ऐसी कमाल कमाल की वीडियोस गाइस लाता रहूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।